व्यू तो आपको हर जगह से अच्छा मिलने वाला है, और व्यू के साथ ना ये फाइव स्टार वाली चीज़ें वो सारी मिलने वाली है, जैसे बैंक्वेट हॉल है और ऐसे ही आपका फाइव स्टार होटल। होटल पे चले, प्रॉपर रेस्टोरेंट है, सारी चीज़ें मौजूद है, और ये प्यारा सा व्यू भी फाइव स्टार है, तो ये मसाज भी आपकी यहीं पर होने वाली है। ये व्यू देख रहे हो दोस्तों, हमें ना तकरीबन ऐसा ही व्यू चाहिए होता है जब भी हम छुट्टी मनाने जाते हैं या लाइफ में कभी ना रिलैक्स होना चाहते हैं। सो अगर ऐसा ही व्यू आपको हमेशा लाइफ में मिलते तो कैसा रहे। सो आज जो हम देखने जा रहे हैं ना प्रॉपर्टी को, कुछ ऐसी होने वाली है कि एक इस प्यारे से व्यू के साथ और एक फाइव स्टार लाइफस्टाइल आपको मिलने वाला है। तो प्रेजेंटली अभी मैं हूँ सोलन के अंदर, और मैं गुरविंदर आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बादशाह प्रॉपर्टी पे। सो सोलन में ना आज हम एक प्रॉपर्टी देखने आए हैं जो एग्जैक्टली आपके या फिर रिटायरमेंट प्लान कह दो, या फिर वीकली या वीकेंड के अंदर छुट्टी मनाने का टाइम, या महीने में या फिर साल में जब भी आपका मन होगा ना, तो ये प्रॉपर्टी आपका हमेशा साथ देने वाली है। और इसे आप परचेज़ भी कर सकते हो, परचेज़ करने के साथ यहाँ से रेंटल भी इनकम ट्रेड कर सकते हो। और अब इतना कुछ है तो अप्रिसिएशन तो आपकी मस्ट है ही है, और ये बेफिक्र रहना कि यहाँ पर रजिस्ट्री नहीं होगी, रजिस्ट्री एग्जैक्टली होगी और आप ही के नाम से होने वाली है। सो शुरू करें, ये तो ऊपर का माहौल है जो अलग व्यू है, इसके बाद जो आगे का हम व्यू देखने वाले ना वो और भी डिफरेंट होने वाला है। चलिए, ये व्यू देख के ना ऐसा लगता ही नहीं कि हम इंडिया के अंदर आए, बिल्कुल एक डिफरेंट लोकेशन है। सो थोड़ा सा ऊंचा नीचा एरिया, तो हमारे साथ आप आइए, ये हमें लेके जाएंगे हमारी जगह पर प्रॉपर्टी दिखाने। व्यू तो आपको हर जगह से अच्छा मिलने वाला, और व्यू के साथ ना ये फाइव स्टार वाली चीज़ें वो सारी मिलने वाली है, जैसे बैंक्वेट हॉल है और ऐसे ही आपका फाइव स्टार होटल। होटल पे चले, प्रॉपर रेस्टोरेंट है, सारी चीज़ें मौजूद है, और ये प्यारा सा व्यू भी। ये खाली फ्लोर जो नज़र आ रहा ना, ये आपका है, या तो आप जुम्बा सीखना चाहते हो या फिर पंगड़ा, ये भी यहाँ पर होने वाला है। ये बड़े बड़े मिरर लगाए हैं, फाइव स्टार है, तो ये मसाज भी आपकी यहीं पर होने वाली है। जिमनेजियम आपको हाईटेक रहने वाला, सारी फैसिलिटीज़ के साथ, हॉट वाटर, स्टीम बाथ, ये सारा कुछ ही आपके लिए। सो ये थी सारी फाइव स्टार लग्जरी अमेनिटीज़। तो अब चलते हैं आपके घर की तरफ, जो आपको कमा कर भी देने वाला ऐसी प्रॉपर्टी। सो बिल्कुल आपके फ्लोर पे पहुंच चुके हैं, एक तो स्टेयरकेस है, लिफ्ट से भी हम निकले हैं। एक अच्छी चीज़ और बताऊं, यहाँ पर ना कॉरिडोर जो आपको एकदम एक सुपर लग्जरी होटल वाली फीलिंग जो होती है वो आपको पूरी आने वाली है। सो जैसे पूरी सोसाइटी में तक हम देख लिए ना, वो सेवन स्टार फाइव स्टार फीलिंग तो हमें पूरी आती है। तो सो ये अपना ये एंट्रेंस गेट है, एक प्यारी सी फील आपको यहाँ पर आती है क्योंकि वाइड एंट्रेंस है, और एंटर करने के बाद ना जो फील आती है वो और भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप जिस ड्राइंग का डाइनिंग एरिया को देख रहे हैं ना, ये तकरीबन आपको 34-35 फीट का आपको लेंथ के साथ मिलता है, और ये जो मैं सेगमेंट दिखा रहा हूँ सबसे छोटे वाला दिखा रहा हूँ 1500, मतलब कि 1500 लेके 2000 स्क्वायर फीट तक का सेगमेंट अपने पास यहाँ पर है। और प्यारी चीज़ है ना यहाँ पर ये होती है कि जब आपको सेगमेंट मिलता है ना, उसमें स्पेस इतनी अच्छी मिलती है जिसे आप एक्चुअल में रहते नहीं हो, इन्जॉय करते हो। एग्जैक्टली, सो आप बड़ा सा डाइनिंग टेबल लगाएं, उसके बाद भी लगता है कि हमने चार पांच चीज़ें और कुछ यहाँ पे रखना था, वो भी रखिए। सोफा सेट जैसा लगाना चाहते हैं वो एग्जैक्टली आप वैसा रख सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। और इन सब के साथ ना एक स्पेस हमने यहाँ पर रखी हुई है, सो ये है आपका पूजा स्पेस। सो अभी हमने खा ली है, आप जब आएंगे जैसे आएंगे आप इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, एक अच्छी फील आपको यहाँ पर पूरी मिल जाती है। और इसके साथ में एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो यूजली जो किचन में ना इंडियन किचन के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, सो यहाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वेस्टर्नाइज होते होते ना इंडियन किचन में कई बार एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। सो ये आपकी किचन है, मैं एंटर कर चुका हूँ, अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ से जो बाहर की विजिबिलिटी है वो बिल्कुल भी नहीं है। वो बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर डिज़ाइन की है कि आपके यहाँ पर एल शेप में है पूरा आ गया, वॉशिंग यहाँ पर आपकी होने वाली है इजिली सारी, इसके बाद चॉपिंग जो आप इस तरफ आप कर सकते हैं,
कुकिंग के लिए आपको ये जगह मिल जाएगी। ये हालांकि मेरे ख्याल से गलत जगह पर रखा है, इसको वहाँ पर आना चाहिए, तो जगह आपके पास खुली आ जाएगी और ड्रॉर्स आपके को काफ़ी अच्छे खासे आ जाते हैं। तो एक अच्छा सेगमेंट जो होता है डिज़ाइन के साथ, वो आपको पूरा मिल जाता है। और इन सारी चीज़ों के बाद ना एक बड़ी अच्छी सी बालकोनी हमें मिल जाती है, यूटिलिटी बालकोनी। सो वॉशिंग, क्लोथिंग, सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। और ये ना वो सेगमेंट है, हम रिटायरमेंट के बाद रहना है या वैसे लाइफ को इंजॉय करना है या कभी कभी इंजॉय करना है, ये सारे सेगमेंट आपके ना पूरे कर देते हैं। सो कई बार होता है कि हम छुट्टियों में भी ना कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसा चीज़ ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पे अपनापन सारा कुछ हो, रहने के लिए एक चीज़ मिल जाए, तो वो सारी चीज़ यहाँ मिल जाती है। सो ये बेस्ट पार्ट लगता है यार, क्योंकि ना हर घर में ना एक चीज़ होती है कि यार जहाँ भी आप लेटो तो ऐसे सो कि यार जैसे सब बच्चे सपने देखते हैं ना वैसे सपने आए, मतलब ये गहरी नींद यार, घोड़े बेच कर सोने वाली नींद। तो उसके लिए ना बेडरूम अच्छा होना चाहिए। सो आप यहाँ पे आइडिया ले रहे हो किस तरीके का बेडरूम आपको पूरा मिल रहा है। और बता दूँ, मैंने शुरू में नहीं बताया आपको, आप फर्नीचर के साथ लेना चाहते हैं, बिना फर्नीचर के साथ लेना चाहते हैं, सारी तरह के सेगमेंट आपको मिल जाएंगे। पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है यार, खास तो बात यही होती है। सो एक अच्छी फील इस तरफ आपको जो है वार्डरोब मिल जाएगी जो कि इनबिल्ट है, एक अच्छी फील आपको दे देती है, स्पेस आपको पूरी मिलती है। आप टाइल देख रहे हैं नीचे, आपको बिल्कुल वुडन फील आपको पूरी मिलने वाली है। और ये रहा आपका वॉशरूम जो कि अटैच रहने वाला है, आप चीज़ें देख रहे हैं एक अच्छे लेवल के हिसाब से ही यहाँ पर सारी आपको मिलती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको एक अच्छी सी ना ये बालकनी वाला व्यू मिल जाता है। अब हिमाचल में हो, सोलन में हो, या कहीं पे भी हो ना, अगर पहाड़ी एरिया वहाँ पे बालकनी अच्छी ना हो ना फिर मज़ा नहीं आता, तो यहाँ पर वो चीज़ें मिलती हैं आपको सारी। चलिए और आगे चलते हैं। सो कई बार होता ना हमें लगता है कि हमने अपने पैसे एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करने हैं, बढ़ते भी रहे और मज़ा भी आए, तो दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पर होने वाली है। छोटा सा टेबल आपका यहाँ पे हमने डिज़ाइन किया, करने को तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक अच्छी स्पेस और एक अच्छी यूटिलाइजेशन वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपने बेडरूम की तरफ। आराम, मज़ा, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही मज़ा आया था क्योंकि जगह काफ़ी अच्छी खासी है ना, यही तो फील होती है। एक विंडो है और मुझे तो लगता है कि यहाँ पर भी शाम को बैठ जाना तो बड़ा अच्छा वाइड स्क्रीन वाला टीवी वाला फील जो होता है ना वो पूरा आपको यहाँ पर आने वाला। स्टिल हमने टीवी के लिए जगह आपको आगे दे दी है बिल्कुल इसके सामने। सो मज़ा पूरा लेते रहो अपने बेड के ऊपर बैठ के सामने टीवी का। और ये रही आपकी वार्डरोब। सो हिमाचल में ना ये चीज़ें बड़ी अच्छी होती है, एक मौसम बड़ा अच्छा होता है, कभी भी आ जाओ एक अच्छी फील आपको यहाँ पर पूरी मिल जाती है। सो वॉशरूम आपको अटैच मिलने वाले हैं, नहाना धोना तो आपको यहाँ पर हो जाएगा, स्टीम बाथ स्पा लेनी है फिर आपके लिए अलग से स्पेस है। और जैसे मैंने वो देखा ही था आपको कि वो थाईलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो मसाज है यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन अच्छे मायने में होने वाली है। सो यहाँ पर आगे हम थर्ड बेडरूम में। सो सेगमेंट काफ़ी अच्छे हैं, टू बेडरूम भी कुछ ऐसा ही आपको मिल जाता है। सो अपने ऊपर है कि वन बेडरूम लेना है, स्टूडियो अपार्टमेंट लेना है, टू बेडरूम है या थ्री बेडरूम है, फील आपको पूरी अच्छी आने वाली है। और ज़्यादा शाही बंदे हैं तो यार पूरा कॉटेज ले सकते हैं, वो भी आपको 200-250 गज के अंदर मिलने वाले हैं, फील आपको आएगी, रहने का मज़ा पूरा आने वाला है। और जो माइंडसेट से हम आ रहे थे ना यहाँ पर, वो एक्चुअली आपको यहाँ पर पूरा मिलने वाला है। रिलैक्सेशन और जो होती है ना कई काफ़ी देर की जो नींद ख़त्म हो रही होती है, ख़राब हो रही होती है, वो यहाँ पर आपके ना पूरी होने वाली है। सो वॉशरूम अटैच रहने वाला, थ्री बेडरूम थ्री वॉशरूम आपके पूरे अटैच रहने वाले हैं। सो और कोई क्वेरी भी आपकी है इस घर के रिलेटेड या इस लोकेशन के रिलेटेड, तो आप कभी भी दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, आपकी सारी क्वेरीज यहाँ पर दी जाएंगी। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में आप यहाँ पे कभी परचेज कर सकते हो, धीरे धीरे पैसे देने हैं, फटाफट देने हैं, आपके ऊपर है, आपको ईजिली यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी और आपके सेगमेंट या बजट सेगमेंट के हिसाब से आपको मिल जाएंगी। सो फिर मिलते हैं ऐसी एक और घर के साथ, तब तक के लिए ज़्यादा लूँगा आपका दोस्त गुरविंदर, सत श्री अकाल।